दोस्तों चलते हैं पार्ट दूसरे में, जो करंट अफेयर की सीरीज है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए 31 मार्च 2021, जुलाई 2020 से मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को कुल कितने हजार करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की घोषणा 21 मई 2021 को की, तो 99,122 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित बैड बैंक का पहला सीईओ हाल में किसे नियुक्त किया गया है? तो पद्म कुमार माधवन नायर को। वह भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी, जिसे 17 मई 2021 को वैश्विक भागीदारी के साथ मिलकर भारत पर केंद्रित सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय केवल बिछाने की योजना की घोषणा की तो रिलायंस जियो ने। मई 2021 में बांग्लादेश ने किस सार्क देश के साथ 200 मिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप समझौते को मंजूरी प्रदान की? तो आंसर होगा श्रीलंका। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कौन सा बैंक कॉरपोरेट बॉन्ड सौदों के शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में उभरा है? तो HDFC बैंक। राहुल बजाज की जगह किसे बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष 1 मई 2021 को चुना गया? तो नीरज बजाज को। मई 2021 में किसे RBI का चौथा डिप्टी गवर्नर नामित किया गया? तो टी रवि शंकर को। भारत की निजी क्षेत्र की वह बैंक जिसे एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडिया बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया? तो HDFC बैंक को। मार्च 2021 में कौन सा राज्य मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बना? तो छत्तीसगढ़ राज्य बन गया है। अप्रैल 2021 में RBI द्वारा महाराष्ट्र के किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया? तो भाग्योदय शहरी सहकारी बैंक। वह भारतीय ई कॉमर्स कंपनी जिसने अप्रैल 2021 में यात्रा बुकिंग कंपनी क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण किया? तो फ्लिपकार्ट ने। वह यूरोपीय देश जिसने अप्रैल 2021 में नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन को जारी करने की घोषणा की? तो ब्रिटेन ने। मई 2021 में किस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा शुरू की? तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। यह सुविधा बैंक के मौजूदा और नए ग्राहक को अपनी पसंद की संख्या को अपने बचत या चालू खाता संख्या के रूप में चुनने का विकल्प देता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने 11 मार्च 2021 को कौन सा पूर्ण भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया? भारत ई मार्केट ने। अप्रैल 2021 में RBI ने वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए सीमित कर दिया? तो आंसर होगा 15 वर्ष। हाल ही में ICICI बैंक ने खुदरा व्यापारियों के लिए किस नाम से एक डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग सेवा को शुरुआत की है? तो मर्चेंट स्टैक। हाल ही में किस बैंक ने संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? तो यूनियन बैंक ने। हाल ही में सरकार ने निजीकरण के लिए किन चार बैंकों को सूचीबद्ध किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पिछले दिनों अपना स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सरकारी स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान बना केरल वित्तीय निगम यानी KFC। फरवरी 2021 में प्रदत्त 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में किस बैंक को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आंसर होगा। 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 में 2025-26 के बीच राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में कितना प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की है? तो आंसर होगा 41%। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के सुधार का उल्लेख किया गया है? तो भी आकार का। समीक्षा के अनुसार देश के सकल मूल्य वर्धन GVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 2019-20 के स्थिर मूल्य पर कितना परसेंट रहा? तो 17.8%। वर्ष 2019-20 में मत्स्य पालन क्षेत्र का कुल राष्ट्रीय GVA और कृषि GVA में कितना प्रतिशत योगदान रहा? तो क्रमशः होंगे 1.24% और 7.28%। केंद्रीय बजट 2021-22 में कब तक ब्रॉडगेज रेल मार्गों को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2023 तक। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसके लिए बजट 2021-22 में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की गई है? तो जम्मू कश्मीर। 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुए नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट में विनिवेश कितना रुपया एकत्र करने का लक्ष्य है? तो 1.75 लाख करोड़। वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा GDP का 9.5% रहा है, जबकि
2021-22 में इसके जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 6.8% रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत कब से की है, तो 1 जनवरी 2021 से की है। हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स मुद्रा में हेराफेरी करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है, तो भारत सहित 10 देश। केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में स्वीकार एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर कर दिया है 74%। उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में कहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है, तो लेह लद्दाख में होगा। केंद्रीय बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कुल कितने का बजट आवंटित किया गया है, 1,10,055 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। भारत की वो ट्रैक्टर कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक लॉन्च किया है, तो सोनालिका ट्रैक्टर। केंद्रीय बजट 2021-22 में देश में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है, तो वो इंस्टीट्यूट है 4। अप्रैल 2021 में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस नाम से सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, तो यूनिकॉर्न। मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मार्च 2021 में किस राष्ट्र के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया, तो आंसर होगा श्रीलंका। भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, तो जापान द्वारा। 27 अप्रैल 2021 को चीन ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे को एकत्र करने के लिए किस नाम के रोबोट प्रोटोटाइप का प्रक्षेपण किया, तो नियो 1। अप्रैल 2021 में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया यूके। 106 वर्ष बाद 24 अप्रैल 2021 को किस नरसंहार को औपचारिक मान्यता देने वाले जो बाइडन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने, तो आर्मेनियाई नरसंहार। वह देश जिसने अप्रैल 2021 में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते को रद्द कर दिया, तो ऑस्ट्रेलिया ने। नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन अमेरिका की मेजबानी में 22 से 23 अप्रैल 2021 को वर्चुअली किया गया था, उसका विषय था 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट। 22 अप्रैल 2021 को रूस ने 45 वर्षों बाद चंद्रमा पर किस मिशन को भेजने की घोषणा की है, तो लूना 25 मिशन। 22 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का इस वर्ष का जो थीम था वो पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में बहाल करना। नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल पर लैंडिंग के 63 दिन बाद अपने किस उपग्रह की सहायता से मंगल के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सांस लेने योग्य 5 ग्राम ऑक्सीजन का निर्माण किया, तो मॉक्सिन। 10 अप्रैल 2021 को संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए पहली बार किन दो अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की, तो नौरा अल मथरूसी महिला तथा मोहम्मद अल मुल्ला पुरुष। पृथ्वी के अलावा किस अन्य ग्रह पर पिछले दिनों इंजेन्यूटी नामक नासा के छोटे हेलीकॉप्टर ने सफल उड़ान भरी, तो मंगल ग्रह पे। 17 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व हीमोफीलिया दिवस का इस वर्ष का जो थीम था वो परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल। प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास के लिए विश्व का पहला अभयारण्य किस देश में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। टरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में 22 तक सिडनी से 291 किलोमीटर दूर एक चिड़ियाघर में अर्धजलीय जीवों के लिए विशेषज्ञ सुविधा वाली योजना की घोषणा की। रूसी अंतरिक्ष निगम रॉसकॉसमोस द्वारा 28 फरवरी 2021 को किस नाम से पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया, तो आर्कटिक एम। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 1 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस इस वर्ष का जो थीम था वो है इंड इन इक्वेलिटीज। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मार्च होगा राइट आंसर। वह रूसी मॉडल और समाजसेवी जिसे फरवरी 2021 में महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल अम्बेसडर नियुक्त किया गया, आंसर होगा नतालिया वोइनोवा। 10 फरवरी को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दलहन दिवस का वर्ष 2021 का थीम था एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज। वह इस्लामी देश जिसने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान की, तो सऊदी अरब। 24 फरवरी 2021 को कोवैक्स योजना के तहत निःशुल्क कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश बना घाना।
20 फरवरी 2021 को मनाया गया सामाजिक न्याय का विश्व दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान। पृथ्वी से 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का अंतरिक्ष यान परसिवरेंस 19 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर किस स्थान पर लैंड हुआ, तो जेजेरा क्रेटर पे। भारतीय मूल की वो अमेरिकी जिन्हें हाल ही में नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया, तो भव्या लाल को। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का इस वर्ष का जो थीम था वो शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। 2 फरवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वेटलैंड दिवस का केंद्रीय विषय था वेटलैंड्स एंड वाटर। भारतीय मूल के वह स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के पद ग्रहण किया, तो अनिल सोनी को। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा फरवरी 2021 में जारी विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार किस वर्ष को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया, तो 2020 को। 31 जनवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व कुष्ठ रोग दिवस वर्ल्ड लेप्रोसी डे का इस वर्ष का जो मुख्य विषय था वो बेस्ट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेल बीइंग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाने से आप लोग बोर हो जाते हैं देखने से, तो इस वजह से छोटे वीडियो में ही आपको कवर करवाया जा रहा है। मिलते हैं फिर अगले सीरीज में, तो इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट घटना सार का करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है, और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम से 15 दिन पहले जो है प्रकाशित किया जाता है बुक। तो थैंक यू।